हाय गाइस, तो हमें बहुत सारे ईमेल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे, कमेंट्स आते हैं यूट्यूब पे कि हम दुबई घूमने के लिए आ रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ में, अपने इन लॉज के साथ में, अपने रिलेटिव्स के साथ में जो कि एल्डरली हैं। तो आप जानना चाहते हैं कि दुबई की वो कौन से बेस्ट अट्रैक्शंस और प्लेसेस हैं जहाँ पे आप अपने एल्डरली लोगों के साथ में जा सकते हैं। और गाइस, वैसे तो हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, पर हमने ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाई है जिसमें हम एल्डरली लोगों के साथ कौन सी जगह जानी चाहिए उसके बारे में बात करें। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे उन सभी बेस्ट अट्रैक्शंस और एक्टिविटीज़ के बारे में जो कि आप बिना किसी रिस्क और टेंशन के अपने बुजुर्गों के साथ इन्जॉय कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सी ये जगहें और शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गो। शुरुआत करते हैं दुबई सिटी टूर से। सिटी टूर एक बहुत ही रिलैक्स्ड और आसान तरीका है जिसके थ्रू आप सिटी को बहुत ही इजीली और अच्छे से घूम सकते हैं। आपके पेरेंट्स आसानी से बस में बैठकर बिना थके पूरी सिटी को आराम से घूम सकते हैं। अगर आपके पेरेंट्स व्हीलचेयर पे हैं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये एक्टिविटी व्हीलचेयर एक्सेसिबल भी होती है। दुबई सिटी टूर करने के बाद में आप अबू धाबी सिटी टूर भी करें। अबू धाबी शहर बहुत ही प्यारा शहर है और यहाँ पर देखने के लिए बहुत ही यूनिक चीज़ें हैं। यहाँ की स्काई स्क्रेपर बिल्डिंग्स भी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ज़्यादा यूनिक हैं, जिसे देख के आपको बहुत मज़ा आएगा। और यहाँ की बिल्डिंग्स को आपने मूवीज़ में तो ज़रूर देखा होगा। सिटी टूर में आप वर्ल्ड फेमस शेख जायद मॉस्क भी जाएंगे, और एल्डरली लोगों के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल होती है मॉस्क तक ले जाने के लिए। वर्ल्ड फेमस ग्रैंड मॉस्क को देखने के बाद आप जा सकते हैं वर्ल्ड फेमस एमिरेट्स पैलेस को देखने के लिए। एमिरेट्स पैलेस बहुत ही बड़ा 5-स्टार होटल है जहां पर रॉयल गेस्ट ठहरते हैं। इसके अलावा आप यहां के कैफ़े में गोल्ड कॉफ़ी भी पी सकते हैं। सिटी टूर में आप यहां के प्रेसिडेंट के पैलेस को भी देखने जा सकते हैं। आई एम श्योर आपके पेरेंट्स इन सारी बड़ी ग्रैंड और लग्जरी बिल्डिंग्स को देख के बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आपके साथ एक प्रो टिप शेयर करना चाहते हैं कि जब भी आप अपने पेरेंट्स या किसी भी एल्डरली इंसान के साथ ट्रैवल करते हैं तो हमेशा इंडिया से या अपनी कंट्री से व्हीलचेयर साथ में ज़रूर कैरी करें। बिकॉज बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि क्या हम वहाँ आकर सेकेंड हैंड ले सकते हैं या क्या वहाँ रेंट पर मिल सकती है। तो इन सब चक्करों में ना पड़े। आप सेकेंड हैंड लेंगे फिर जाने से पहले आपको वो बेच के जानी पड़ेगी, इतनी जल्दी ये सब चीज़ें करना। और अगर आप रेंट पे लेंगे तो पहले रेंट करने के लिए वहाँ जाना, डिपॉजिट देना, फिर अपनी फ़्लाइट पकड़ने से पहले वापस करने जाना, इन सब चक्करों में ना पड़ के और पीस ऑफ माइंड और टेंशन फ्री होके अपना ट्रिप इन्जॉय करने पर फोकस करना चाहिए। इसलिए आप इंडिया से ही लेकर आएँ। बिकॉज आप टूरिस्ट हैं तो ऑब्वियसली आपका इतना सारा सामान तो होगा नहीं, बिकॉज दुबई का ट्रिप ज़्यादा लोग 5 या 7 डेज़ के लिए प्लान करते हैं। बिकॉज इट्स अ स्मॉल कंट्री और दुबई बहुत ही छोटी सिटी है, और आपके पास इतना सामान में लगेज नहीं होगा तो आपका बहुत सारा वेट होगा। बिकॉज इट्स नॉट अ कोल्ड कंट्री कि जहाँ आप हैवी भारी भारी ओवरकोट्स लेकर आ रहे हैं आपके सूटकेसेस में और आपके पास लगेज की वेट की कमी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए आप इंडिया से व्हीलचेयर लेकर आएँ, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। आप जहाँ पर भी कहीं जाएँ अपने पेरेंट्स के साथ उनको व्हीलचेयर पर ही कैरी करें, जितना वो चल सकते हैं उतना अच्छा है। मगर क्योंकि एज वाले ज़्यादा एज के लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं तो वो बहुत कंफर्टेबल होते हैं उनके लिए, आप भी इंजॉय कर पाएंगे और आपके एल्डरली लोग भी आपके साथ पूरा ट्रिप इंजॉय कर पाएंगे। इसके अलावा आप लेकर जाएं अपने पेरेंट्स को दुबई फ्रेम, जो कि एक यूनिक बिल्डिंग है फ्रेम की शेप में। दुबई में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस व्हीलचेयर फ्रेंडली हैं और हर जगह पर सीनियर सिटीजन्स को प्रायोरिटी दी जाती है। तो अगर आप दुबई फ्रेम की लाइन में लगे हैं अपने पेरेंट्स के साथ में तो चांसेस हैं कि आपको उस लाइन से निकाल के प्रायोरिटी लाइन में जगह दे दी जाएगी। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था ग्लास पर वॉक करते हुए। आप अपने पेरेंट्स को म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि एक छोटी सी बिल्डिंग है जहां पर बहुत ही कुछ देखने के लिए मिलेगा। यहां पर बहुत कम चलना पड़ेगा और आपके पेरेंट्स फ्यूचरिस्टिक चीज़ें देखकर दंग रह जाएंगे। इसकी टिकट्स 2 या 3 हफ्ते पहले ही बुक कर लें वरना आपको टिकट्स नहीं मिलेंगी। तो गाइज, आप में से जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं और नहीं जानते उनको नॉलेज के लिए हम बता दें कि हम दुबई के लिए फ़्लाइट्स, होटल, वीज़ा, टूर्स, कस्टमाइज आइटनरी जैसे सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं बहुत ही कम प्राइस पे। तो अगर आप दुबई आने का प्लान कर रहे हैं तो आप हमें इस ईमेल एड्रेस पर ईमेल कर सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स को दुबई की ढाव क्रूज पर ज़रूर लेकर जाएं।
यहाँ पर एल्डरली लोग आराम से बैठकर दुबई की हसीन शाम का लुत्फ उठा सकते हैं। ढाव क्रूज से जगमगाते दुबई का नज़ारा, ढाव क्रूज के अंदर होने वाले लाइव एंटरटेनमेंट शोज और साथ में बहुत ही बड़ा बफे डिनर, ये सब आपके पेरेंट्स डेफिनेटली एंजॉय करेंगे। पेरेंट्स के साथ हैं तो लोकेशन पर एटलीस्ट 15 मिनट पहले ही पहुंच जाएं। दुबई घूमने आए और डेजर्ट सफारी नहीं गए, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। अगर आपके पेरेंट्स को हार्ट की बीमारी है या फिर कोई बैक पेन है या किसी और तरह का पेन का इश्यू है तो फिर डेजर्ट सफारी में ड्यून बैशिंग को अवॉइड करें। ड्राइवर से कह के आप अपने पेरेंट्स को डायरेक्ट कैंप में भेज दें। अगर आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं तो आप उन्हें पहले से ही इन्फॉर्म कर दें कि वहाँ पर लाइव परफॉर्मेंस शोज होंगे जिसमें कि बेली डांस भी होगा। ऐसा ना हो कि वो बेली डांस शो देखकर अपने बच्चों के साथ ऑकवर्ड फील करें। इसके अलावा होने वाले फायर शो को देख के आपके पेरेंट्स और आप खुद बहुत ही ज़्यादा दंग रह जाएंगे और बोलेंगे भाई ये कैसे कर लेता है। फायर शो के बाद तनूरा शो होता है जो कि एक अरेबिक डांस फॉर्म है, इसे भी आप देख के बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। क्योंकि डेजर्ट कैंप में चलना नहीं पड़ता है तो आपके पेरेंट्स और आपकी फैमिली इस एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा एंजॉय करेगी। अब चलते हैं दुबई डॉल्फिनेरियम। दुबई डॉल्फिनेरियम में आप अपने पेरेंट्स को मरीन एनिमल्स की यूनिक एक्टिविटीज़ दिखाने के लिए ले आ सकते हैं। यहाँ के डॉल्फिन शो, सील शो और ऑर्का वेल शो को देखने के बाद आपके पेरेंट्स आपको ज़रूर थैंक यू बोलेंगे। अगर आपके पेरेंट्स ने लाइफ में ऐसा शो कभी नहीं देखा है तो आप दुबई डॉल्फिनेरियम ज़रूर लेकर जाएं। यहाँ पर सीट्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होती हैं तो टाइम से पहले ही पहुँच जाएँ जिससे कि आपको अच्छी सीट्स मिल जाएँ। अब चलते हैं मोस्ट ऑब्वियस दुबई मॉल और बुर्ज खलीफा देखने के। अगर आपके पेरेंट्स व्हीलचेयर पर हैं तो आप उन्हें दुबई मॉल आराम से घुमा सकते हैं, लेकिन अगर वो पैदल चल रहे हैं तो आप उन्हें ज़्यादा मत घुमाइए। अगर आपको अपने पेरेंट्स को बुर्ज खलीफा के ऊपर तक लेकर जाना है तो आप एट द टॉप का टिकट लेकर 124th, 125th या 148th फ्लोर पर जा सकते हैं। एट द टॉप पर जाने के लिए बहुत लंबी लाइन लगती है तो अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ हैं तो लोकेशन पर टाइम से पहले ही पहुंच जाएं। दुबई मॉल के अंदर जो दुबई एक्वेरियम एंड अंडरवाटर जू है इसको आप बिल्कुल भी मिस ना करें। इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ की फिशेस इंक्लूडिंग शार्क और स्टिंगरे को इतने पास से देखने का मौका शायद ही कभी और मिले। इसके अलावा दुबई मॉल के फेमस म्यूज़िकल फाउंटेन को ज़रूर देखें, ये बिल्कुल फ्री है और शाम को हर आधे घंटे में होता है। आपके पेरेंट्स इस म्यूज़िकल फाउंटेन के एक्सपीरियंस को कभी भी भुला नहीं पाएंगे। इसके अलावा अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ स्पेशल अरेंज करना चाहते हैं उनके बर्थडे पे या फिर एनिवर्सरी पर तो फिर आप उनके लिए प्राइवेट यॉट या फिर क्रूज़ ज़रूर बुक करें। इसके अलावा आप उनके लिए लिमोजीन राइड भी बुक कर सकते हैं जिसका यूनिक और लग्जूरियस एक्सपीरियंस आपके पेरेंट्स कभी भी भुला नहीं पाएंगे। अगर आपके पेरेंट्स को बीचेस पसंद है तो फिर आप उन्हें दुबई के बीचेस पर ज़रूर लेकर जाएं। यहाँ के बीचेस वर्ल्ड क्लास के हैं जहाँ पर आपको सारी फैसिलिटीज़ और अमेनिटीज़ मिलेंगी। यू कैन गो टू काइट बीच, लामेर बीच, जुमेरा बीच एंड जेबीआर बीच। अगर आपके पेरेंट्स को चलने में प्रॉब्लम नहीं है या फिर वो व्हीलचेयर पर हैं तो आप उन्हें ग्लोबल विलेज और मिरेकल गार्डन भी लेकर जा सकते हैं, क्योंकि मिरेकल गार्डन और ग्लोबल विलेज बहुत ही ज़्यादा बड़े एरिया में फैला हुआ है तो यहाँ पर काफ़ी चलना पड़ता है। तो यहाँ पर कंफर्टेबल शूज़ पहन कर आएँ और अगर आपके पेरेंट्स थक जाएँ तो उन्हें ज़्यादा पुश मत करें। इन दोनों जगहों पर इतना ही चलें जितना आपके पेरेंट्स चल पाएँ। ये याद रखें कि आप अपने पेरेंट्स को घुमाने के लिए लाए हैं, टॉर्चर करने के लिए नहीं। ग्लोबल विलेज और मिरेकल गार्डन को अपनी आइटनरी में एक या दो दिन छोड़ कर रखें। और गाइस तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो देख के बहुत ही मज़ा आया होगा और ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेशन लगा होगा क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में नाउ यू नो कि आपको दुबई में कौन सी जगह जाने घूमने के लिए जब आप अपने बुजुर्गों के साथ में घूमने के लिए आ रहे हैं।
और ये वाला वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। अब आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट सैटरडे, अंटिल देन टेक केयर, बाय।